आगरा में 57 केंद्र बनाए गए, किस तरह की व्यवस्था रहने जा रही है? आगरा में 57 केंद्रों पर 105,192 कैंडिडेट्स जो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये परीक्षा 57 केंद्रों पर की जा रही है। प्रत्येक केंद्र पर हमने पुलिस ऑब्जर्वर के रूप में इंस्पेक्टर्स लगाए हैं, 3-3 सब इंस्पेक्टर्स वहाँ पे लगाए हैं और 8-8 कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल्स भी लगाई गई हैं चेकिंग पुलिसिंग के लिए। प्रत्येक केंद्र पे CCTV के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके अलावा रूट पर भी पेट्रोलिंग जो है अलग से रूट हेड्स उनके साथ पुलिस को दिया गया है, वो लोग अपने रूट पे भी व्यवस्था करेंगे और हमारी जो डायल एंडेड की गाड़ियां हैं कल वो भी इसी पेट्रोलिंग में रहेंगी। लोकल SHOs के लिए फ्री रखा गया है, वो अपने क्षेत्र में पढ़ने वाले सभी परीक्षा केंद्रों का सुपरविजन करेंगे। इसके माध्यम से एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी परीक्षार्थी हैं सभी परीक्षार्थी प्लेन ड्रेस में आएंगे, कोई जूता लॉन्ग बूट्स वो पहन के नहीं आएगा और ऑर्नामेंट्स वगैरह वो सब अलाउड नहीं है और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। नीला और काला बाल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी चीज़ को परीक्षा के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। पिछले बार जून महीने में होनी थी परीक्षा, किसी कारणवश पेपर लीक होने की बात सामने आई थी, तो इस बार ऐसे एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि वो पूरी तरह से फुल सिक्योरिटी प्रूफ फुल प्रूफ परीक्षा हो पाए? इस बारे में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पूर्व से सक्रिय हैं। इसके अलावा जो पेपर्स का जो वितरण और वहाँ पर सील पैकेट के ओपनिंग की जो कार्रवाई है वो एक कोड के माध्यम से की जा रही है, जो कंपनी उसको TCS कंपनी करा रही है, सारा उसका सुपरविजन है, तो वो पूर्णतया गोपनीय रखा जाएगा। उसी वक्त पे पता चलेगा कि कौन सा पेपर कौन सा सीट कहाँ पर इस्तेमाल हो।